ऐसा लग रहा है कि अपने पास ड्रोन होना चाहिए था। Hey guys, I hope you all are doing well and आज है अपना सेकंड एपिसोड इस महाबलेश्वर सीरीज का। तो आज कहाँ पर जाने वाले हैं? कैसा ऐसा कुछ लोकेशन है? एक्चुअली ऐसा कुछ रैंडम लोकेशन है और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज हम बढ़ने वाले चेनामल वाटरफॉल, चाइनामैन वाटरफॉल, जो कि महाबलेश्वर में दूसरा बड़ा वाटरफॉल है। हम पहले धोबी वाटरफॉल जाके आए, आपने देख लिया होगा अपना एपिसोड नंबर 1। तो आज करेंगे एक्सप्लोर चाइनामैन वाटरफॉल। तो एक्चुअली उसको दो रूट है, एक जंगल से वो बंद है अभी। तो अब हम जाने वाले कलसुबाई अड्डा और यू कैन से खाजेबाई सोसाइटी। सो वो रोड है, तो आपको गूगल मैप से तो मैं दिखाई लूँगा कि कैसा हमें जाना है। तो बढ़ते हैं अभी मार्केट में। लैंडमार्क जो है अपना वो पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन से सीधा अपने को रास्ता नीचे पकड़ना है और जब हम खाजेबाई सोसाइटी पहुँचेंगे वहाँ से थोड़ा सा फुटवर्क है, मतलब वॉकिंग है। तो मिलता है अभी। वहाँ ऊपर अपना रास्ता खत्म हुआ और हमें ऐसा कुछ ऐसा छोटा रास्ता पकड़ने लगा था। तो थोड़ा आगे चलने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रीम मिलता है आपको नज़र, तो उसको अभी हम क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके वो जो वहाँ पर पहाड़ जा रहा है वहाँ पर जाना है हमें। सो दोस्तों, हमने ये छोटा सा जो झरना था उसे क्रॉस कर लिया है और अभी हम जो ये छोटा सा रास्ता दिख रहा है सो उस पर बढ़ेंगे आगे। सो ऐसा कुछ छोटा ट्रेल लगता है जब हम चाइनामैन वाटरफॉल पर बढ़ते हैं। तो आप सोचोगे इस वाटरफॉल का नाम चाइनामैन वाटरफॉल क्यों रखा गया? सो जब ब्रिटिश महाबलेश्वर में रहते थे उस दौरान एक चाइनीज इंसान यहाँ पर आया था, मतलब उसने ये प्लेस डिस्कवर की थी और वो पहला इंसान था जिसने चाइनामैन वाटरफॉल को देखा था, इसलिए उसका नाम चाइनामैन वाटरफॉल ऐसा गिरा। सो वहाँ से आगे बढ़ने पर ऐसी कुछ छोटी सी स्ट्रीम नज़र आती है, तो ये एक स्ट्रीम लैंडमार्क है। सो यहाँ से आगे और बढ़ना है हमें। ये है पहली ग्लिम्स जो हमें नज़र आती है चेनामल वाटरफॉल की, चाइनामैन वाटरफॉल की। सो ऐसा कुछ यहाँ से नज़र आ रहा है और आगे बढ़ने वाले हैं हम, सो दैट कि हम अच्छी तरह से उसे देख सकें। इस लोकेशन पर आओगे, मतलब ऐसा कुछ लोकेशन नज़र आता है जहाँ से कि हमें इस साइड वाटरफॉल नज़र आता है और इस साइड पूरा ऐसा ओपन एरिया। तो यहाँ पर आकर हमें अपने जो जूते हो गए, जो चप्पल होगी वो निकालनी है, क्योंकि ये जो स्थान है वो मतलब देवभूमि है। सो यहाँ पर हमें अपने चप्पल और दस्ताने वो सब उतार कर आगे जाना होता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पर जहाँ से हमें चेनामल वाटरफॉल नज़र आता है। तो ऐसा कुछ व्यू है और यहाँ पर देवभूमि है, यहाँ पर छोटा सा मंदिर है। सो इस बात का ध्यान रखना कि आप जब भी आओगे तो अपने जूते होगे वो निकाल कर आइए, क्योंकि दिस प्लेस हैज सम डिवोशन, तो ये मत भूलिएगा। और व्यू तो देखिए, मतलब बहुत सही। अब ऐसा लग रहा है कि अपने पास ड्रोन होना चाहिए था, क्योंकि ड्रोन होता तो ये सब कुछ है वो ऐसा कुछ कैप्चर कर पाते हम। वो जो वहाँ पर पहाड़ दिख रहा है, बाद में वो अपना वाटरफॉल एंड दिस वैली, सही यार। तो जल्दी लेंगे, वैसे अभी तो स्टार्ट किया है अपनी जर्नी। सो यही कुछ है ऐसा लोकेशन। सो इसके बाद हमने तय कर लिया कि हम जाएंगे जंगल रूट से चाइनामैन वाटरफॉल को अपोजिट डायरेक्शन से देखने के लिए। तो हम निकले चाइनामैन वाटरफॉल को अपोजिट डायरेक्शन से देखने के लिए, तो इसलिए लैंडमार्क था अपना मधुसागर फैक्ट्री और वहाँ से छोटा सा डाइवर्जन था ग्रैंड रिजॉर्ट के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर
एक कच्चा रास्ता आता है, सो वहाँ पर हमें लेफ्ट लेना था, तो वहाँ से हम आगे बढ़े रहे हम चाइनामैन वाटरफॉल के लिए ही वापस, लेकिन अब जंगल रूट पकड़ने वाले हैं। सो इसके लिए लैंडमार्क होगा अपना मधुसागर फैक्ट्री जो है वो, उसके बाजू से ग्रैंड होटल, ग्रैंड रिजॉर्ट करके होटल है, सो उसका रास्ता पकड़ने का है, और फिर थोड़ा आगे ही बढ़ते ऐसा कुछ रास्ता आएगा। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस रूट ऑल्सो। सो इसी रूट पर आगे बढ़ने पर थोड़ा सा छोटा एक ऐसा डाइवर्जन मिलता है आपको, सीधा रास्ता यशोदा फार्म को जाता है, और यहाँ से नीचे हमें अभी यहाँ पर ही अपनी गाड़ी हमने पार्क कर ली है, सो यहाँ से अभी नीचे जाना है, जल्दी से अभी एक्सप्लोर करेंगे, ऑलमोस्ट 5:15 हो चुके हैं, सो बढ़ते हैं अभी इस रूट पर। वेयर इज द लोकेशन? सो आप सोचोगे कि यार अभी तो हम लोकेशन पर बढ़ने वाले थे, एंड वेयर आर नाउ, घर पर क्यों पहुंचे हैं? एक्चुअली हुआ यू कि हम बढ़ रहे थे उस रूट पर, और आगे जाकर हमें दो कुत्ते मिले और उनसे अपनी भेड़ हो गई, मतलब बहुत एग्रेसिव थे और मतलब आ ही गए थे यार, मतलब पकड़ ही लिया था मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि नो वी विल ड्रॉप दिस आइडिया फॉर टुडे, क्योंकि अकेले थे हम और आगे भी बहुत रास्ता था अंदर और जंगल शुरू होने वाला था, सो कहा कि अगली बार एक्सप्लोर करेंगे ठीक से। पर आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड वी विल डेफिनेटली गो टू दैट लोकेशन एज वेल, क्योंकि एक्सप्लोर तो करना है हमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और उसी के साथ वो जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नए लोकेशंस के साथ नए रूट्स पर, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।